गाइस मंदिर के अंदर ट्रैफिक देखो ना, जो भेखड़ में गुफा है वहां पर ही वो कालिया भील अपना खजाना लूट के यहां पर छुपा था। वो त्रिशूल 15 दिन यहां पर कोटना रहता है और 15 दिन वहां पर हम चोटीला गए थे ना, जो मैंने चोटीला वीडियो बनाया था वहां पर चामुंडा माँ, तो वहां पर जाता है। जय हिंद देवी और सज्जनों, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप लोग, होप करते हैं आप लोग बढ़िया ही होंगे और हमारी तरह बढ़िया ही रहना। बाकी आज हम पहुंच चुके हैं अरब सागर के तट पर, यहाँ पर है चामुंडा धाम कोटड़ा, जो कि ये महुआ से तकरीबन 30-35 किलोमीटर होता है। तो आज हम मंदिर के दर्शन करेंगे, आपको भी दर्शन करवाएंगे, बाकी हिस्ट्री जानेंगे यहाँ पर मंदिर की क्या है। तो चलो आपको दिखाते हैं सब, वीडियो में बने रहना और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो, ये मुख्य गेट है और गेट के अंदर पहले सबसे पहला पार्किंग है पूरा, और ये निःशुल्क पार्किंग है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। गाइस मंदिर के रोड पे ही ना मार्केट है बहुत बड़ी, ये जो आप देख सकते हो। गाइस मंदिर तक पहुँचने के लिए ना आपको शायद 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा, थोड़ा ऊपर है मंदिर। अभी नवरात्रि चल रही है तो नवरात्रि की वजह से यहाँ पर ट्रैफिक बहुत सारा है, क्योंकि यहाँ पर गुजरात भर में से लोग चल के यहाँ पर आते हैं, अपनी मनोकामना पूरी होती है तो यहाँ पर मान्यता रखते हैं, तो मान्यता पूरी करने के लिए भी आते हैं। अभी हम पहुँच चुके हैं मंदिर, आपको थोड़ी देर में दर्शन करवाते हैं, चलो अंदर। गाइस मंदिर के अंदर ट्रैफिक देखो, गाइस ये त्रिशूल देख रहे हो ना यहाँ पर, उसकी हिस्ट्री भी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अंदर वीडियो अलाउ नहीं है इसलिए बाहर से मैं पहले दिखा देता हूँ और बाद में हिस्ट्री आपको बताऊंगा। गाइस ये मंदिर का परिसर है बाहर से। यहाँ अंदर आपको चाय मिलेगी पीने के लिए, तो निःशुल्क चाय है यहाँ पर। ये मंदिर रहा, मंदिर के सामने ही मिल जाएगी। तो गाइस मैंने वो त्रिशूल बताए थे ना आपको, वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर एक त्रिशूल है जिसका नाम है खंडिया त्रिशूल। वो त्रिशूल 15 दिन यहाँ पर कोटना रहता है और 15 दिन वहाँ पर हम चोटीला गए थे ना, तो मैंने चोटीला वीडियो बनाया था, वहाँ पर चामुंडा माँ तो वहाँ पर जाता है। ऐसा कुछ यहाँ पर हिस्ट्री है, 15 दिन यहाँ पर रहता है, 15 दिन वहाँ पर रहता है, और जिसके नसीब में वही उसके दर्शन कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते। तो ये कुछ त्रिशूल की हिस्ट्री थी, मतलब उसका चामुंडा माँ का 15 दिन वास यहाँ पर रहता है और 15 दिन चोटीला रहता है। तो बस ऐसा ही कुछ था उस हिस्ट्री के बारे में, तो मुझे यही पता है जो मैंने आपके साथ शेयर की। बाकी चलो आगे भी कुछ देखते हैं। अब गाइस ये सामने देख रहे हो ना, जो भेखड़ में गुफा है वहाँ पर ही वो कालिया भील अपना खजाना लूट के यहाँ पर छुपाता था और गरीबों में बांट देता था। शायद ये वही भेखड़ के अंदर जो गुफा है ये वही है, हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर मुझे लगता है कि मंदिर के पीछे जो है ना ये यहीं पर है। गाइस यहाँ पर एक कालिया भील था, वो यहाँ पर है ना अंग्रेजों के जहाज लूटता था, फिर उसको माताजी प्रसन्न हुए और माताजी ने उसको एक उड़ने वाला चोगा दिया, हमारे गुजराती भाषा में उसको पछेड़ी कह सकते या चादर जो भी हो, तो उसको वो दिया और उसमें वो जहाज लूटने जाता था उस पर बैठ के और उड़ के समुन्द्र में से, फिर वो जो सामान लूट के लाता था ना वो यहाँ पर गुफा में रखता था, फिर गरीबों में बांट देता था, क्योंकि उसको माताजी प्रसन्न थे, माताजी के पास से रजा लेके वो सब जगह जाता था लूटने सामान। तो यही कुछ थी हिस्ट्री कालिया भील की। गाइस अरब सागर के तट पर हमारा भगवा रंग लहरा रहा है, तो बोलो जय श्री राम। गाइस समुद्र के तट पर ही ना एक भोलेनाथ का मंदिर है, तो हम वहां पर दर्शन करेंगे और आपको भी दर्शन करवाते हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर है ये बीच, और यहाँ जस्ट बाजू में ही बीच थोड़ा विकसित कर दिया है यहाँ पर। मैं पहले आया था तब यहाँ पर कुछ नहीं था, और अभी यहाँ पर आपको खाने पीने की चीज़ें मिल जाएगी, थोड़ी थोड़ी राइड मिल जाएगी, घोड़े की राइड है, गाड़ी की राइड है, ऐसी छोटी छोटी राइड मिल जाएगी, लेकिन वाटर एक्टिविटी कुछ भी नहीं होती यहाँ पर, क्योंकि समुंदर तो बहुत दूर है यहाँ से, इसलिए बाकी बीच पर आओ बैठो और मौज लो, बस इतना है। और अभी हम जा रहे हैं प्रसादी लेने, तो प्रसादी में क्या क्या मिलता है आपको दिखाते हैं।
चलो प्रसादी लेते हैं। माता जी को यहाँ पर प्रसाद में लापसी चढ़ाई जाती है और खूब सारे लोग यहाँ पर माता जी को प्रसाद चढ़ाने आते हैं लापसी, जो कि जो जो मानता रखते हैं वो। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं प्रसादी घर के पास और ये सामने ये प्रसादी घर है, पूरा बहुत दूर तक है। प्रसादी लेने में बहुत बड़ी लाइन है, अब क्या करे क्या ना करे समझ नहीं आ रहा। गाइस हमने प्रसादी लेना कर दिया है कैंसिल, क्योंकि बहुत भीड़ थी और हमारे पास टाइम कम है, इसलिए हम जा रहे हैं यहाँ से। बाकी वीडियो कैसा लगा बताना कमेंट में, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और बाय बाय।